बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जेई मेन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। टोटल 4128 बच्चे हमारे जेई मेन में क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस के लिए। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है सेकेंड फेज का, और अभी हम हैं मेंटोर्स एडुसर में, और अभी हमारे साथ है मेंटोर्स एडुसर के डायरेक्टर सर आनंद जायसवाल सर, और आज सर से बात करेंगे। सर को कैसा लग रहा है? मुझे पता चला है बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का रहा है। तो हेलो सर, वेलकम टू सुकेश अकेडमी। थैंक यू सर, कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जेई मेन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। टोटल 4128 बच्चे हमारे जेई मेन में क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस के लिए। ओके सर, और काफ़ी सारे बच्चे इनके 99% एंड अबव हैं। बिहार का जो बेस्ट रैंक है और झारखंड का जो बेस्ट रैंक है वो भी मेंटर सेडू सर का ही छात्र है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस रिजल्ट से निकल के आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जी एडवांस में और अच्छा करेंगे। अच्छा सर, मैं लगातार सर जब से इस फील्ड में हूँ सर, मैं कवर करते रहता हूँ मेंटर से दूसर को। सर पिछले ईयर भी मैंने कवर किया था, और अच्छा लगता है सर आप बिहार से ही शुरू किए हैं और बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं, तो अलग सुकून मिलता है सर। नहीं बिल्कुल, मेंटर से दूसर हमने 13 साल पहले स्टार्ट किया था, और ध्येय यही था उसका कि हम बिहार के बच्चों को बिहार में रह कर पढ़ाएँ, और जो एक अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है विद क्वालिटी, बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए, चाहे टीचर की क्वालिटी हो, किताबों की क्वालिटी हो, चाहे अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड होने चाहिए, बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उनको क्लास के PDF मिलने चाहिए, तो सारी चीज़ें हम बच्चों को दे रहे हैं, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे। तो ये काफ़ी सेटिस्फेक्शन देता है कि बच्चे बिहार में रह के पढ़ रहे हैं और साथ में अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, जैसे बच्चे अलग अलग जिले से आते हैं सर, सर आप जो मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, जो मेजर क्या दिक्कत लगती है सर? बहुत सारे ऐसे जगह से आते होंगे जिनको हमको लगता है बहुत अच्छे से नीट और जेई के बारे में पता भी नहीं होगा सर, तो ऐसे बच्चे आते हैं क्या सर? बिल्कुल, बच्चों में अवेयरनेस कम होती है, और ऐसा नहीं कि हम बच्चों को सिर्फ पटना में पढ़ाते हैं, जितने भी छोटे छोटे जगह हैं हर शहर में और जो छोटे जगह हैं वहाँ भी जाके हम बच्चों को अवेयर करते हैं, पेरेंट को अवेयर करते हैं सेमिनार के माध्यम से। अभी जैसे बिहार बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, CBSE रिजल्ट आने वाला है, हमारे जो टीम है, शिक्षक हैं और जो हमारे बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सब जाके हर सिटी में बच्चों को अवेयर करते हैं कि नहीं जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसे लाइफ में कहाँ पहुँच सकते हो, ये सारी बातें हम लोग बच्चों को बताते हैं। और हमने देखा भी है, बहुत साधारण घर के बच्चे, किसान के बच्चे, ऑटो ड्राइवर का बच्चा, पोस्टमैन की बेटी, ये सब आज मेंटर्स में पढ़ के IIT और AIIMS जैसे टॉप इंजीनियरिंग और टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फाइंग जर्नी है। ग्रेट सर, रिजल्ट आप अच्छे दे रहे हैं सर। मैं सर कुछ सीक्रेट क्वेश्चन है सर, बताएं क्या इसके पीछे क्या USP है आपका सर, इतना अच्छा आप कर पा रहे हैं सर? देखिए मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मैं यही समझता हूँ कि बच्चों को अगर अच्छा रैंक चाहिए और अच्छे से उनको क्वालिफाई करना है जेई या नीट, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आना चाहिए, और उसमें टीचर डेडिकेटेड होने चाहिए, जो मेंटर्स के टीचर होते हैं वो डेडिकेटेड हैं, बच्चों को बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर जो एवरेज लेवल है वो कराते हैं, फिर हाई लेवल कराते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन हम लोग मेंटर्स में फॉलो करते हैं, नहीं कि आए बच्चे और कुछ भी हाई फाई पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो बेसिक पढ़ाया NCERT लेवल पे, फिर उनको जेई मेन या नीट लेवल पे पढ़ाया, और फिर हाई लेवल जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल का पढ़ाते हैं। तो बच्चे को एक स्टेप वाइज ग्रूमिंग करनी होती है, ऐसी जो हमारी किताबें वो भी ग्रेडेड एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज 1 ईजी होगा, 2 डिफिकल्ट होगा, 3 ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वर्कबुक डिफिकल्ट होंगे, ऐसे टेस्ट पेपर भी हमारे पैटर्न बेस्ड होते हैं जेई मेन जेई एडवांस के, तो हम बच्चों को स्टेप वाइज ग्रूम करते हैं, और यही कारण है कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा सफल होते हैं मेंटर्स। अच्छा सर, आज बच्चों का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मेंटर से रिजल्ट के बच्चे ने, सर बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके सर इस बार अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाए होंगे सर, सर उनके भी आपको कॉल्स और फोन्स आ रहे होंगे सर, उन बच्चों का क्या? जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, जनरली क्या होता है बच्चे 12th के साथ जो जेई या नीट की तैयारी करते हैं तो उनका फोकस कभी कभी बोर्ड की तरफ ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल सर, और बोर्ड का जो सिलेबस है और जो जेई का सिलेबस या नीट का सिलेबस, वो कॉमन है लेकिन दोनों के
पढ़ाई में काफ़ी अंतर होता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका स्टैंडर्ड उसमें अंतर होता है। तो जो बच्चे बोर्ड पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं उनका जेई और नीट की तैयारी गड़बड़ हो जाती है। उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने प्रायोरिटाइज अगर बोर्ड को किया है तो बोर्ड में अच्छे नंबर उनके आएंगे। तो वैसे बच्चों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारे बोर्ड के रिजल्ट भी आ चुके हैं, बिहार बोर्ड के, सीबीएसई एसएससी के आने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड में वीक ऑफ मे में आ जाएगा। तो उनको अब आगे एक साल ड्रॉप करके जेईई और नीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हमने देखा है बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप लेने के बाद भी टॉप रैंक लाते हैं और आईआईटी और एम्स जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के। अच्छा सर, आपके यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे रैंक पर रहे हैं सर, सर उसमें क्या क्वालिटी आपको दिखी, और भी जो बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंस क्या दिखा सर आपको? देखिए, एक तो मैंने बताया जो बच्चे जेईई और नीट को लेके ज़्यादा फोकस्ड होते हैं उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा, उनके रैंक अच्छे होते हैं। बाकी चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो आपकी जो कोचिंग की स्टडी है, अगर वो कोचिंग में आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको करीब दुगुना टाइम सेल्फ स्टडी में देना पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको प्रॉपर गाइडेंस मेंटर्स में मिला, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। 4 घंटे क्लास है तो आपको 8 घंटे घर में पढ़ना है, अगर 6 घंटे क्लास है तो आपको कम से कम 10 घंटे की सेल्फ स्टडी घर में करनी पड़ेगी। तो बच्चे वो मिस करते हैं, उसकी वजह से गड़बड़ होता है। बाकी गड़बड़ी ये होती है कि बच्चे प्रॉपरली स्टडी मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सारे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, 1-2 टेस्ट में नंबर खराब आ गया तो डिस्करेज होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको रोज़ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जेईई और नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। इसमें आपको हिम्मत नहीं हारना होता है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, रेगुलर टेस्ट देने होते हैं, और थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी हो रहा है परफॉर्मेंस तो अपनी हिम्मत आपको रखनी है। और आप अगर हिम्मत रख के मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो बच्चे जेईई नीट आराम से क्वालिफाई करते हैं। अच्छा सर, आज रिजल्ट आया है, लगातार हम देखते आ रहे हैं सर, ये सेलिब्रेशन जो आप लोग करते हैं सर, इसके पीछे क्या मकसद होता है क्या? देखो, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनकी डिमांड होती है कि सर सेलिब्रेट कब करें हम, क्योंकि अच्छा, इतना पढ़ाई की हमने कब सेलिब्रेट करें। मेरा तो बच्चों को बोला होता है कि भाई अब एडवांस के बाद सेलिब्रेट करना, अच्छा फाइनल गोल तुम्हारा है, लेकिन बच्चे की जिद होती है और जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो एक ब्रेक है एक तरह का कि एक बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक सेलिब्रेशन बनता है उनका, तो हम सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं। और सारे बच्चे अभी हमारे जो क्वालिफाइड हैं वो सब आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ पाए क्योंकि कल वेस्ट बंगाल जेई का एग्ज़ाम है, साथ में अभी बहुत सारे बच्चे एडवांस में फोकस्ड हैं। फिर भी जितने बच्चे आए उनको हम लोग उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे और उनका एक इनकरेजमेंट के लिए हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ये भी कह सकते हैं सर, जैसे एक किसान होता है वो अपना बीज लगाता है खेत में और साल भर इंतजार करता है, बिल्कुल उसी तरह से एक टीचर होता है 2 साल से मेहनत करता है एक बच्चे पे, आज वो खुशी का दिन होता है, तो उसको सेलिब्रेशन बनता है उसका और हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सर आज कुछ बातें हो हम नहीं किए होंगे अभी आपसे, सर आप बच्चे को मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सर? नहीं, बच्चे देखिए अभी 2-3 तरह के बच्चे हैं जो जिनको मैं मैसेज देना चाहूँगा। एक बच्चे वो हैं जो अभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को जल्दी स्टार्ट करें ताकि आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ग्राउंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो उनको अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा, जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं उनको तो बिल्कुल अब वेट नहीं करना चाहिए और फटाफट तैयारी अपनी स्टार्ट करें और 2 साल अच्छे से पढ़ेंगे, मेंटर्स का गाइडेंस उनको मिलेगा, वो आराम से अच्छा कर सकते हैं जेईई नीट में। जिन बच्चों का किसी वजह से जेईई की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, नीट की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, मैं 12वीं पास के बच्चों को कर रहा हूं या जो 12वीं बच्चे अभी अपीयर हुए हैं, उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट तैयारी स्टार्ट कीजिए और अच्छे से मेहनत करेंगे एक साल तो आपका भी जेईई नीट में होगा। तो हर बच्चों को यही मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और मेंटर्स आपके साथ है, जिस तरह का भी आप गाइडेंस चाहिए वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे और आप अच्छा करेंगे लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आपको समय देने के लिए सर।